वेलकम टू खुशी ई एजुकेशन। आज हम सीखने वाले हैं स्टोकिंग फ्लावर बनाना। तो चलिए चलते हैं स्टोकिंग फ्लावर बनाने की ओर। तो चलें हम स्टोकिंग फ्लावर में जो बनाने के लिए जो हमें मटेरियल लगेगा हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए स्टोकिंग फैब्रिक, जो मैंने अलग अलग कलर का यूज़ कर रही हूँ। सिल्वर वायर, सिल्वर तार, ग्रीन तार, पोलॉन, सीजर, सिंपल थ्रेड, ग्रीन टेप। तो सबसे पहले मैंने ये वायर लिया है, सिल्वर वायर। इसे मैं ओपन नहीं करूँगी, इसे मैं डबल ही रखूँगी जिससे मेरा फ्लावर जो है अच्छे तरीके से बने। ये मैंने फर्स्ट मुझे इस शेप के में ये बनाऊँगी राउंड। देखिए ये मैंने इस तरीके से गोल घुमा लिया बॉटल के ऊपर और इसे इस तरीके से बांध दिया। ये आपको एकदम टाइटली करना है ताकि ये हमारा जो वायर है ये खुलना नहीं चाहिए। ये देखिए, और ये जो एक्स्ट्रा है इसे मैं सीजर की सहायता से कट कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके के मुझे पांच हमें रेडी करने हैं। तो देखिए मेरे इसी साइज का ये पांच हमने रेडी कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी और पेटल्स की ओर। तो वहाँ पर उस पेटल्स को बनाने के लिए मैं इससे थोड़ा सा बड़ा एक मैंने और एक राउंड बॉटल ली का यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मैं सिल्वर वायर से ही बनाऊंगी और सिल्वर वायर से बनाते वक्त इसे भी मैं ओपन नहीं करके इसी तरीके से ही बंद रखूंगी, डबल ही लूंगी इस वायर को। ठीक है, और ये देखिए जैसा मैंने पहले जो हमने किया था वही ट्रिक हमें यहाँ पर भी करनी है। इस तरीके से मैंने गोल घुमाया और इसे ये देखिए इस तरीके से क्रॉस रख के मैंने इसे घुमा दिया। इस और ये जो एक्स्ट्रा जो है ये हमने कट कर लिया। तो हमें इस साइज के 10 पेटल्स बनाने हैं, 10 राउंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेम साइज के मैंने ये 10 पेटल्स रेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लीफ बनाने की ओर। तो लीफ बनाने के लिए मैं ग्रीन कलर के वायर का यूज करने वाली हूँ। देखिए इसे भी हम ओपन नहीं करके डबल ही यूज करने वाले हैं, पर लीफ हमारी थोड़ी सी बड़ी होगी इसलिए मैं यहाँ पर इस बॉटल का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऊपर का जो इसका जो ढक्कन है इस ढक्कन की सहायता से मैं उसे राउंड करने वाली हूँ। ये देखिए, ये क्रॉस करके आपको इसी तरीके से मोड़ लेना है। अगर आप चाहे तो ये लीफ का ये हम जो एक्स्ट्रा है जो वतार ये आप कट ना करें, ऐसे ही रहने दें। तो ये इसी तरीके के लीफ का और इसी साइज के लीफ के लिए हमें 4 लीफ इसी तरीके से रेडी करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लीफ के लिए हमने ये 4 राउंड और लीफ के लिए पेटल्स तैयार कर दिए हैं। अब हम चलते हैं फ्लावर बनाने की ओर। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें जो हमने जो फर्स्ट जो ये पेटल्स बनाए थे 5, इसके लिए यहाँ पर मैं एक लाइट ग्रीन फैब्रिक का यूज़ करने वाली हूँ स्टोकिंग। सिर्फ केवल हम ये 5 पर ही ये कलर का यूज़ करेंगे। देखिए क्या करना है, ये हमारा जो स्टोकिंग है इसे आपको इस तरीके से पकड़कर इसे थोड़ा सा ही खोलना है। उसके बाद इसे इस तरीके से अंदर की ओर डालकर यहाँ पर हम धागा ये करेंगे जिससे ये खुले ना, धागे से बांध लेंगे इसे। अब ये हमारा जो ये है ये बहुत लाइट दिख रहा है, तो यहाँ पर हम इसी कपड़े को फिर से दोबारा, पहले हम ये गांठ मार के इसे निकाल लेंगे। इसे आप पूरा कट कर लीजिए। अब देख रहे हैं आप, ये सिंगल दिख रहा है और ये लाइट कलर दिख रहा है, तो हम इस पर ही इसे दोबारा स्टोकिंग लगा देंगे जिससे इसका कलर थोड़ा सा उठकर आएगा। ये देखिए थोड़ा सा डार्क शेड में हो गया, इसे भी बांध लेंगे और इसे गांठ मार लेंगे। एक से दो गांठ आप मार लीजिएगा इसकी। अब हम जो ये एक्स्ट्रा जो हमारा ये जो फैब्रिक बच रहा है इसे हम पहले ही यहीं पर कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये चारों को भी इसी तरीके से ये करना है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ये इसी कलर के सेम ये 5 पूरे रेडी कर दिए हैं। अब हम चलेंगे इस पेटल्स की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पेटल्स को मैं वाइट कलर के स्टोकिंग से
ये करने वाली हूँ। देखिए इसे थोड़ा सा आपको खींच के देना है और ये जो कपड़ा है पूरी तरीके से टाइट कर लेना है, कहीं पर भी आपको ऐसा लूज नहीं होना चाहिए। और इस पर मैं वाइट कलर के थ्रेड से ही ये कर लूँगी, गांठ मार लेंगे हम इसे भी ताकि ये खुले ना। इसे भी आपको डबल ही करना है, देखिए मतलब एक बार लगाकर होने के बाद इसी पर आपको फिर से सेम यही तरीका आपको वापस से अप्लाई करना है। इसमें जो आपको ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आप पहले ही कट कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसे भी आप दोबारा ये लगा लेंगे हम। इसके जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है पूरा। तो इसी तरीके से हमें सारी जो इसकी जो पेटल्स थी 10 जो हम बनाई थी उसी को इसी तरीके से हमें रेडी करना है। तो आप देख रहे हैं हमारे जो सारे जो 10 पेटल थे जिसे हमें वाइट कलर से ये किया था वो पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। अब हम चलेंगे, हमने जो ग्रीन कलर के जो राउंड बनाए थे लीफ के लिए, अब यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का तार का यूज़ किया था, इसी तरीके से ग्रीन कलर के फैब्रिक का भी यूज़ करेंगे हम। हमने हर पेटल्स को डबल डबल स्ट्रोकिंग फैब्रिक लगाया था, पर यहाँ पर मैं इसे सिर्फ सिंगल ही करूँगी। देखिए सिंगल ही करना है हमें, और मैं यहाँ पर ग्रीन कलर के थ्रेड का ही यूज़ करूँगी, देखिए। और इसे यहाँ पर हम गांठ मार लेंगे, इसे आप कट कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा इसे हम कट कर लेंगे। तो पेटल्स के लिए हमने जो 5 जो हमने राउंड बनाए थे पेटल्स के लिए वो हम रेडी करेंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमने 4 लीफ के लिए जो रेडी किया था वो मैंने इस तरीके से फैब्रिक लगाकर रेडी कर लिया है हमने। अब हम फ्लावर बनाने की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ये छोटे जो थे लाइट ग्रीन कलर का, पहला हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले ये जो राउंड है हमारा, ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा इस शेप में दे देंगे। इसी तरीके से इस 5 को हम करेंगे। यहाँ पर एक पेंसिल लेंगे, मैं यहाँ पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो ये पेटल्स को हम पेटल्स के ऊपर मैंने ये पेंसिल रख दी, देखिए इस तरीके से, और इसे इधर से मोड़ लिया। फिर ये जो एक्स्ट्रा जो हमारा ये है इसे भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, देखिए। ये मैंने इसी तरीके हमने ये 2 रेडी कर लिया। अब इस पेटल्स के लिए हमें क्या करना है, ये आपको बॉटल दिख रही, यहाँ पर ये जो नीचे का जो हमारा ये साइज है थोड़ा छोटा होता है, तो यहाँ पर रख के इसे थोड़ा सा ऐसा फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए ऐसा राउंड, मतलब ऐसा हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। अब मैं ये 3 को उसी तरीके से शेप दे दूंगी। ये हमारे ये 5 हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक सिल्वर वायर लेना है, या आप कोई भी कलर का वायर ले सकते हैं, पर मैं अभी हम तो यहाँ पे सिल्वर वायर ही यूज़ करेंगे। ये वायर को आपको इसे कट कर दीजिए बीच में से, ये इसे आप फिर से ये जो कटिंग जो हमने कट किया है इसे हम फोल्ड कर लेंगे ऐसा, इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले जो मैंने ये जो शेप दिया था, देखिए ये वाला, इस शेप के यहाँ पर इसे रखकर, ये देखिए यहाँ पर रखना है, और इसे थ्रेड से हम बांध देंगे इस तार को और इस पेटल को। अब आपको इसे इस थ्रेड को जो है तोड़ना नहीं है, इसी तरीके से आपको पूरा सब कुछ रखे रहना है, तोड़ना नहीं है थ्रेड को। अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा ओपन करेंगे, ये जो सेकंड वाला जो हमने फोल्ड किया था इसे थोड़ा सा ओपन करके
इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे, फिर इसे भी हम थ्रेड से बांध देंगे। अब ये जो हमारे तीन पेटल है इसे यहाँ लगा लेंगे और इसे थोड़ा सा, ये जो हमारा जो फर्स्ट जो हमने दो पेटल लगाए हैं ना इसके ही राउंड में इसे इस तरीके से घुमा लेंगे थोड़ा सा हल्का सा। इसके बाद ये सेकेंड थर्ड सॉरी ये भी मैं इसे इसी तरीके से बांधूंगी। धागा टूटने पर आप इसे वापस से इसी तरीके से स्टार्ट कर लें। अब यहाँ पर आपको एक गांठ मार लेनी है पर धागा तोड़ना नहीं है हमें। जो ये वाइट पेटल्स जो हमने रेडी किए थे उसमें से सबसे पहले मैं ये चार पेटल्स लूँगी। अब इसे करना क्या है हमें, ये बॉटल पर इस तरीके से रख के देखिए इसे थोड़ा सा ये करके क्या करना है, यहाँ पर पकड़िएगा ये जहाँ पर हमने ये तार और ये फैब्रिक को बांधा है ना वहाँ पर, और इसे इस तरीके से कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से शेप हो जाएगा उसका चारों का, इसे बांध देंगे। अब इसे बांधना कैसा है, ये हमारा जो ये राउंड शेप है ना जो अंदर की तरफ जो हमारा ये भाग गया है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे ऐसा, ठीक है। हम इसे ऐसा रख के बांध देंगे धागे से। अब हम सेकेंड पेटल बांधेंगे, देखिए इस तरीके से इसके थोड़ा सा करीब रखना है और थोड़ा सा ये देखिए सेम वैसे ही बांधना है, राउंड शेप जो हमारा है वो बाहर की तरफ इससे। अब मैं यहाँ पर थर्ड पेटल सेम वैसे ही बांधूंगी, ये देखिए तीन पेटल हमारे बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पेटल जो बच गया है उसे भी बांध लूंगी, एकदम टाइट से बांधकर हम यहाँ पर भी एक गांठ मार लेंगे थ्रेड से। इसे ऐसे ही रखना है, थ्रेड को आपको कट नहीं करना है। अब हमारे पास जो पेटल्स बचे हैं हमारे पास इस सिक्स पेटल्स को भी हमें सेम वैसे ही शेप देना है जैसे हमने पहले दिया था। इसी बॉटल पर रखकर आपको इसे थोड़ा सा खींचकर ऐसा शेप देना है जो हमने पहले फोर जो पेटल्स को दिए थे सेम वैसे ही शेप आएंगे इस सिक्स पेटल्स को भी। ये देखिए ये हमने शेप दे दिया है। अब हमें इसे लगाना कैसा है, हमने पहले जो चार पेटल्स लगाए थे उसमें हमने इस शेप को बाहर की तरफ इस तरह रख के लगाया था, पर अब जो हम इसे बांधेंगे तब हम इस पेटल्स को जो ये जो शेप दिए है ना ये हम अंदर की तरफ रख के बांधेंगे, मतलब ये वाला साइड ये जो हमारा शेप साइड है वो हमारा अंदर की तरफ जाएगा इस तरीके से। अब मैं इसे बांध देती हूँ, ये देखिए आपको धागा तोड़ना नहीं है। अब हम क्या करेंगे फिर इसके बाद ये पेटल्स भी इसी तरीके से लगाएंगे, पास पास में आप इसे लगा सकते हैं। एक के बाद हम इस सिक्स पेटल इसी तरीके से पास पास में लगा लेंगे, एक के ऊपर एक नहीं लगाना है, बाजू बाजू में लगाइएगा। अब हमारी ये पेटल्स लग के पूरी तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे गांठ मार देंगे, एक से दो गांठ मारिएगा ताकि ये खुले ना हमारे सारा पेटल्स इस पर। अब ये फ्लावर को हमें शेप देना है, तो देखिए सबसे पहले जो अंदर जो हमने ये चार पेटल्स लगाए थे ना हम उसे पहले शेप देंगे कुछ इस तरीके से, देखिए थोड़ा सा उसे ऐसा मोड़ देंगे अपने हाथों से, ये देखिए एक से दो जगह पर बस इस पेटल्स को इस तरीके से आप शेप दीजिएगा। अब तो आप समझ गए होगा कि ये हमने रोज बनाया है तो आपको पता होगा कि रोज पे पेटल्स जो होते हैं वो थोड़े से शेप होते हैं कटे कटे जैसे, देखिए इस तरीके से शेप देकर इससे पेटल्स को
अब थोड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ कीजिएगा, क्योंकि ये सब हमने एक तरह साथ बांधा था तो वो ऊपर की ओर थे। अब जैसे कि मैंने देखी आप, ये मैंने नीचे कर दिया है पेटल्स, सब थोड़े थोड़े ऐसे शेप दे दिया है, देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर इस पर लीफ लगाएंगे। हर रोज के साथ लीफ तो होती है, तो जो हमने ये चार लीफ ये जो रेडी की थी, हमें चार लीफ लगाएंगे। आप ज़्यादा लीफ भी लगा सकते हैं, पर हमें यहाँ पर चार लीफ लगा रही। ये देखिए, इसे इस बॉटल पर इस तरीके से रख के हमें इसको शेप देना है। पहले तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा शेप दे दिया और इस पर इस तरीके से इसे खींच दीजिएगा। तो अब हम ये लीफ लगाएंगे इस रोज पर। तो आप ये देख रहे हैं हमारा ये रोज हमने जो बांधा है, अब ये लीफ को ठीक इसी जगह पर हम रखेंगे जहां पर हमने सारे पेटल्स बांधे हैं। और आपको लीफ जहां लगाना है आप वहां पर आप पहले से ही इसे ये कर लीजिए। अब मैं इसे ग्रीन थ्रेड से बांधूंगी। अब मेरा सेकेंड लीफ लूंगी मैं, इसे भी इस तरीके से रखकर। ये जो हमने, अगर आप बांधना नहीं चाहे हर एक लीफ को, तो ये जो हमने एक्स्ट्रा जो ये वायर रखा है ना, तार रखा है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हमने ये रखा यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा जो तार है हमने जो रखे हैं, इससे आप इसे इस तरीके से गोल घुमा दीजिए, ये अपने आप उस पर लग जाएगा। लीफ को ठीक तरीके से सेट कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ पर इसे लगाना है। ये जो मेरा एक्स्ट्रा जो मेरा ये जो मैंने रखा था लीफ में वायर, जैसे मैंने ऐसा ऐसा मोड़ लिया तो भी ये हमारा एक साथ हो जाता है पूरा। अब ये देखिए आप, जब ये चारों लीफ एक साथ लग गए, इसे आप एक साथ बांध दीजिए। फिर हर लीफ के लिए आपको अलग अलग बांधने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर चारों लीफ को हमने एक साथ बांध दिया। दो से तीन गांठ आप कर दीजिए इसे, एक्स्ट्रा थ्रेड जो है ये कट कर लीजिए। ये देखिए, अब ये जो हमारी लीफ का, अब जो हमारे फ्लावर की ये जो डंडी है, इसे हम ग्रीन कलर का ग्रीन टेप लगा देंगे। जितना चाहिए उतना हम पहले ही इसे कट कर लेंगे। ये जहाँ पर हमें ये थ्रेड हमने बांधा है, और आपको ये जो थ्रेड दिख रहा है ये दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे ग्रीन टेप को इस तरीके से प्रेस कीजिएगा जोर से, और ऐसा लगा दीजिएगा। देखिए, जो से दो से तीन बार आप पहले ऐसे ऊपर की ओर फिरा लीजिए, फिर आगे नीचे की ओर हम चलेंगे क्रॉस। हमें अपने हाथ को गोल गोल नहीं घुमाना है, इस फ्लावर को आप गोल गोल घुमाइएगा इस तरीके से। देखें, ये ग्रीन टेप को आपको क्रॉस में जाना है। देखिए, ये किस तरीके से क्रॉस में जा रहा है, ऐसा। सिर्फ आपको फ्लावर को घुमाना है, जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं हमारा रोज पूरी तरीके से रेडी है। तो हमने देखा आज की हमारी जो स्ट्रोकिंग फ्लावर की जो एक्टिविटी थी, ये हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय।